हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका कंप्यूटर टीचर कुलवंत सिंह। आज हम पढ़ेंगे क्लास फोर्थ के बारे में, और जो कि चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास। फर्स्ट हमने कर चुके हैं इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। सेकंड चैप्टर है हमारे पास मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइस। सेकंड चैप्टर है हमारे पास जो है वो है मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइस। तो बच्चों, अब हम बात करेंगे मेमोरी या स्टोरेज डिवाइस की। ठीक है जी, किस तरह से होती हैं, कैसे होती हैं, विद आपको एग्जांपल। तो चलिए बात करते हैं मेमोरी की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेमोरी। बच्चों, आपकी माइंड की मेमोरी कह लो, चाहे कंप्यूटर मेमोरी कह लो, लैपटॉप मेमोरी कह लो, फोन मेमोरी कह लो, तो मेमोरी क्या है हमारे पास कि आपको एक बच्चा यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है, जो कि अपने सिर की तरफ इशारा करके बता रहा है कि माइंड की मेमोरी को बता रहा है कि, यानी कि इसके माइंड में जो जो फिट है, यानी कि मेमोरी को ये कैसे रिकवर करता है या फिर मेमोरी का कैसे यूज करता है, एक स्टोरेज डिवाइस कह लो इसको। ठीक है जी, तो इसके अंदर जो है, जैसे इसने सबसे पहले आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, विच इज अ फेवरेट कार्टून कैरेक्टर। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ योर क्लास टीचर, हु वाज द फर्स्ट टीचर यू से इन स्कूल दिस मॉर्निंग। फोर्थ पे है, व्हाट डिड यू हैव फॉर लंच यस्टरडे, नेम टू आइटम्स। फिफ्थ में है, जैसे In which month does your birthday fall? Means कहने का मतलब है कि ये सारे क्वेश्चन जो है इसकी मेमोरी के अंदर है या कंप्यूटर रिमेम्बर है, जो भी है, तो ये हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम कह लो, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है इसके माइंड में है। ठीक है जी, या द आंसर इज सिंपल इन इट्स मेमोरी। तो ये आप लोगों के लिए बच्चों, आप जैसे आप आंसर दे सकते हैं इस चीज का, लिख सकते हो कि जो क्वेश्चन हमने आपसे पूछे हैं पांच, ये यहाँ पे इनके आंसर क्या है, वो आप दे सकते हो अपनी मेमोरी के अकॉर्डिंग, अपनी सोच के अकॉर्डिंग कि इनका आंसर जो है क्या बनेगा। तो चलते हैं आगे। प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। अच्छा, दो तरह की मेमोरी है स्टोरेज डिवाइस कह लो कि, दो तरह की स्टोरेज डिवाइस है। तो दो तरह की स्टोरेज डिवाइस है यहाँ पे। सबसे पहले है हमारे पास प्राइमरी मेमोरी और है सेकेंडरी मेमोरी। आज हम पढ़ेंगे इन दोनों के बारे में कि प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। मेमोरी की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है बच्चों हमारे पास रैम एंड रोम। किस किस को पता है रैम एंड रोम के बारे में? तो रैम स्टैंड फॉर क्या होगा? हाँ जी, रैम स्टैंड फॉर क्या आएगा बच्चों? रैंडम सेस मेमोरी। ठीक है जी, एंड सेकंड है हमारे पास रोम। तो रोम से क्या होगा? एनी गैसेस? व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ रोम? तो आंसर है बच्चों रीड ओनली मेमोरी। ठीक है जी, रीड ओनली मेमोरी। तो ये तो थे हमारे पास प्राइमरी मेमोरी के पार्ट्स, जो कि आते हैं रैम एंड रोम। तो अगर हम इसकी बात करें, प्राइमरी मेमोरी के अंदर जो हमारे पास आता है वो आता है सेकंड वाला, ये है हमारे पास रीड ओनली मेमोरी। ठीक है जी, और इसी के अंदर अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे भी मैं दिखा देता हूँ, रैम दे रखा है, रोम दे रखा है, रीड ओनली मेमोरी। तो ये भी हमारा
प्राइमरी के डाउन में ही हमने इसको दिखा दिया है कि ये भी प्राइमरी में ही आ जाएगा। तो ये दोनों आप देख रहे हैं यहाँ पे, रीड ओनली मेमोरी एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहाँ पे भी आपको मैं दिखाता हूँ, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी, मतलब एक स्टोरेज डिवाइस है बच्चों ये, जिसके अंदर हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं या फिर रीड कर सकते हैं। ये सारे के सारे हमारे पास कंप्यूटर के अंदर एक्टिवेट होते हैं। तो आगे चलते हैं, आपको कुछ फुल फॉर्म और भी मैं दिखाता हूं यहां पे, जैसे पी आर ओ एम यहां पे लिखा हुआ है, पी आर ओ एम यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसके बाद ई पी आर ओ एम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि हम इरेज भी कर सकते हैं, प्रोग्राम बना भी सकते हैं। तो ये सभी इसी के अंदर आ जाएंगे। आगे चलते हैं, आगे क्या है हमारे पास, EEPROM यानी कि इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल और रीड ओनली मेमोरी। तो ये सारे के सारे हमारे पास मेमोरी के पार्ट आ जाएंगे, ठीक है जी। यानी को हम स्टोर कर सकते हैं बच्चों डाटा को किसी भी प्रकार से, चाहे वो हमारे पास मेमोरी कार्ड है, मैं आपको कुछ सिंपल बात भाषा में समझाता हूँ, मेमोरी कार्ड है, पेन ड्राइव है, मोबाइल स्टोरेज है, ठीक है जी, और हार्ड डिस्क है। तो ये सभी स्टोरेज डिवाइस है, और भी हैं बच्चों, लेकिन सब सिंपल सी बात है जो अब यूज कर रहे हैं हम, ज्यादा से ज्यादा हम उसको मान के चलते हैं कि ये हमारे पास स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। इसके अंदर हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं सभी को। तो यही बात हम सेकेंडरी मेमोरी में आगे देखते हैं। तो यही बात सेकेंडरी मेमोरी में, अब सेकेंडरी मेमोरी में क्या कहता है वो, कि हमारे पास ऑक्सिलरी मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी जो है वो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आ जाती है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, सेकेंडरी मेमोरी इज कॉल्ड ऑक्सिलरी मेमोरी एंड एक्सटर्नल मेमोरी। तो बच्चे दो तरह की मेमोरी है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो यहाँ पे हमने यूज किया है कौन सी मेमोरी को, एक्सटर्नल मेमोरी को, और हमने जो यूज किया है यहाँ पे मेमोरी के पार्ट्स को देखते हैं, स्टोरेज डिवाइस को। ये तो समझ में आ गया बच्चों कि जो सेकेंडरी मेमोरी है वो क्या है, एक्सटर्नल मेमोरी है हमारी। अब डाटा स्टोरेज डिवाइस की बात कर लेते हैं, यूनिट की, कि यूनिट किस तरह से होती है इसके पास। अब मैं आपको बताता हूँ बच्चों कि यूनिट जो है वो किस प्रकार की है। अब यहां दे रखा 8 bit = 1 byte, ठीक है जी। जो 8 बिट है हमारी वो इक्वल होती है 1 byte के। अब बाइट मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा इनके बारे में। तो सबसे पहले बनेगी हमारी केबी, फिर हमारी बनेगी एमबी, फिर हमारी बनेगी जीबी, और फिर हमारी बनेगी टीबी। बच्चों ध्यान रखना, के भी बता रहा हूँ, जो नोट कर लेना इस चीज़ को, कॉपी के अंदर नोट करनी है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लाइफ टाइम तक काम आएगी ये। मेगा एमबी की फुल फॉर्म है मेगा बाइट, एंड जीबी की फुल फॉर्म है गीगा बाइट, एंड टीबी की फुल फॉर्म है टेराबाइट, यानी कि टेराबाइट कहते हैं हम इसको ज़्यादा का, टेराबाइट यानी कि टीवी, टीवी मींस वो वाला टीवी नहीं जो आप घर पे देखते हो, या किसी को जो बीमारी होती है टीवी, वो वाली टीवी नहीं है ये, ये स्टोरेज डिवाइस की टीवी है बच्चों, कि इसके अंदर है टेराबाइट। टेराबाइट मींस जो स्टोरेज डिवाइस है बच्चों वो 1 GB से लेके 1000 GB से अबाव चली गई है, मींस जीबी जो बढ़ चुकी है, लाख से भी अबाव चली चुकी है इसमें, तभी इसको हमने टेराबाइट बनाया है, कि ये
जीबी से कन्वर्ट करें हम इसको टीबी में, जैसे 2 TB, 4 TB, 8 TB। पहले क्या होता था, अगर सिंपल हार्ड डिस्क की कंप्यूटर की बात करें बच्चों, 40 GB, 80 GB, ठीक है जी, 120 GB, 160 GB, 250 GB, 500 GB, 1000 GB। तो ये 1000 GB तक जब गया, तो उसके बाद जो डाटा स्टोरेज डिवाइस की जो बात की जाए, तो वो हमें चाहिए था ज़्यादा। किसी के बाद डाटा जो है बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन अब उसको क्या करना पड़ेगा, अब उसको या तो दो वन एक एक हज़ार की दो लगानी पड़ेगी, हार्ड डिस्क जो है एक एक हज़ार की दो लगानी पड़ेगी, या फिर एक हमारे पास एक ऐसी लगा लें कि जो 2 TB की हो, मतलब टेराबाइट में कन्वर्ट हो, कि जिसके अंदर डाटा दो हार्ड डिस्क का डाटा एक ही हार्ड डिस्क उठा ले, ऐसा काम हो जाए। तो फिर उसके बाद उन्होंने जो टेक्नीशियन जो हमारे टेक्नोलॉजी है वो उन्होंने टीवी को निकाला है, ठीक है जी। तो अब हम वन बाय वन इनको पढ़ेंगे। किलोबाइट, जैसे 1024 बाइट, 1024 बाइट्स जो है हमारे पास, वो बनती हैं 1 KB के आसपास, 1 KB बनती है 1024 की। अगर वही 1024 KB की बात करें तो वो बनेगी हमारी 1 MB की। अगर वही हम 1024 की MB की बात करें तो वो बनेगी हमारी 1 GB। अगर वही हम 1024 GB की बात करें तो वो बनेगी हमारी 1 TB। क्लियर है बच्चों? तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, सबसे पहले जब हमने यूज किया था मेमोरी कार्ड को, तो मैंने जो यूज किया था वो 60 MB से, फिर 80 MB, फिर कन्वर्ट हुआ 120 MB, फिर 250 MB, फिर 500 MB, फिर बना बच्चों 1 GB। मैंने यहाँ से शुरू किया था, जब फर्स्ट टाइम मैंने फ़ोन यूज़ किया था तो 64 या 60 के आसपास मेमोरी थी कुछ उसकी, पूरा याद तो नहीं है बच्चे अभी। 2007 की बात है, तो मैंने 6-7 की बात है, तो मैंने जब शुरू किया था इस चीज़ को, तो ये बढ़ता बढ़ता अब 2 GB पहुँच चुका था, फिर 4 GB हो गया, फिर 8 GB हो गया, फिर 16 GB हो गया, 32 GB हो गया, 64 तक हो चुका है बच्चों, ठीक है जी। तो कहने का मतलब ये इस तरह से ग्राफ जो है बढ़ता जा रहा है टेक्नोलॉजी के हिसाब से। सबसे पहले जो मेमोरी कार्ड था बच्चों, जब मैंने नोकिया का फर्स्ट टाइम फ़ोन यूज़ किया था, बहुत बड़ा मेमोरी कार्ड उसके अंदर डलता था, कुछ इस प्रकार का बना हुआ था वो, ये कुछ इस शेप में था कि जिसके ऊपर मेमोरी कार्ड जो है मेरा वो इस तरह का बना हुआ था। लेकिन आज के समय में सिर्फ मेमोरी कार्ड जो है वो सिर्फ इतना सा रह गया है। तो ये डिफरेंस देख लो बच्चों आज के समय में और इस समय में, जो पहले था और जो अब है, ठीक है जी। तो ये स्टोरेज डिवाइस होगी है सभी की सभी, आपको मैंने हार्ड डिस्क भी बता दिया है, ठीक है जी, बाइट्स के बारे में पूरा बता दिया है मैंने, ठीक है जी। इसके अलावा कुछ फुल फॉर्म भी होंगी, अभी मैं आपको बताता रहूँगा साथ के साथ। तो आपने अभी पढ़े हैं जो KVTB सब फुल फॉर्म पढ़ी हैं आपने, वो भी हमारी पेपर में आ सकती हैं एग्जाम में, लेकिन जो अब आगे बता रहा हूँ वो भी आ सकती हैं, ठीक है जी। सबसे पहले अब बात करें CD DVD, ठीक है जी। तो अब वन बाय वन इनकी बात कर लेते हैं। CD की फुल फॉर्म क्या होती है? कॉम्पैक्ट डिस्क। CD की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। अब DVD की बात करें, डिजिटल वर्स्टलेट
डिस्क, डिजिटल 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 वर्जिलेट डिस्क। तो ये हमारे पास आपको यहां पे दे रखा है, तो ये सारे के सारे हमारे पास सीडी डीवीडी होगी। सीडी के पहचान जो बच्चों है, आपको कलर इस तरह से दिखेगा, सीडी का कलर हमेशा इस तरह से दिखता है, और जो डीवीडी है वो इस तरह से दिखेगी। और इनकी अगर बात करें तो इनकी स्टोरेज डिवाइस जो है सीडी की कम होती है, डीवीडी की ज्यादा होती है। देख रहे हैं बच्चों आप इसको, सीडी को और ये डीवीडी है, ठीक है जी। और आपको मैंने पेन ड्राइव बता दिया था शुरू में ही, यूएसबी जो पेन ड्राइव है वो इस तरह से है, मेमोरी कार्ड इस तरह से है, तो ये आपको पता ही है सभी इनकी डिवाइस के बारे में। तो ये हमारा सेकेंड चैप्टर था स्टोरेज डिवाइस का, जो कि हमने पढ़ा है रैम रोम के बारे में, मेमोरी के बारे में, तो ये हमने बाइट वगैरह पढ़ ली इसके अंदर। तो ये हमारा टॉपिक जो है कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन आंसर आपको हम बता देंगे इसके जो भी रहेंगे, ठीक है जी। अभी तक के लिए इतना ही है बच्चों, थैंक यू।